स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनीता फ्रॉम सूरत स्कूल बावल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स स्टडी साइंस चैप्टर 2, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स, पौधे, अराउंड, आसपास या हमारे चारों तरफ। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, कि हम सी देखते हैं मैनी कई टाइप्स के प्लांट्स चारों तरफ। All plants do not have the same shape and size. कि all plants, सभी plants होते हैं वो same, यानी कि एक जैसी shape में और size में नहीं होते हैं। उनकी size और shapes होती हैं, वो different different types के होते हैं। Some plants are tall and strong, some are short while some are weak. कि some plants, कुछ पौधे होते हैं वो tall and strong, टोल लंबे और मजबूत होते हैं, और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे और कमजोर होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए कि आप कलर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट शो इन द पिक्चर। इसके अंदर हमें कलर करना है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के अंदर। और देखिए, इस पिक्चर के साथ हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के पौधे हैं। कुछ प्लांट्स बिग हैं तो कुछ शॉर्ट हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स यानी कि प्रकार, प्लांट्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है बिग प्लांट, प्लांट्स ट्रीज। बिग प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ट्रीज बोलते हैं। वेरी बिग, टोल एंड स्ट्रोंग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बिग, टोल और स्ट्रोंग, जो बड़े लंबे और मजबूत पौधे होते हैं उन्हें पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। दे हैव ए थिक ब्राउन वुडी स्टम कॉल्ड ट्रंक। जो उनकी थिक ब्राउन, जो ब्राउन भूरे रंग की जो लकड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज लाइव फॉर मैनी ईयर, जो ट्रीज की लाइफ होती है बहुत साल की होती है, वो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीम, मैंगो, बैनियन एंड कोकोनट, ये सब जो ट्रीज हैं ये बहुत लंबे टाइम तक इनकी लाइफ होती है और ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहती हैं। सेकेंड, स्मॉल प्लांट्स सब्स एंड हर्ब्स। सब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो सब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं। दे हैव ए बुशी लुक, उनकी जो लुक होता है देखते हैं तो वो बहुत ही बुशी लगते हैं, यानी कि घने लगते हैं। सब्स हैव ए थिन वुडी स्टम, उसकी जो स्टम होती है वो थिन होती है। दे लाइफ फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली, और जो उनकी लाइफ होती है वो कुछ साल तक की होती है। फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस। नेक्स्ट, हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी वीक प्लांट्स, हर्ब्स है जो वो हमारा बहुत ही वीक प्लांट, यानी कि बहुत कमजोर प्लांट्स होता है। दे हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टम, उनकी जो स्टम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ग्रीन होती हैं। हर्ब्स लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, और जो इनकी लाइफ होती है वो फ्यू मंथ्स के लिए ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, स्पिनिच एंड मिंट। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट टी फॉर ट्रीज, एस फॉर हर्ब्स एंड एच फॉर हर्ब्स, एंड डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं, इसके नीचे जो ट्री है उसके नीचे टी आएगा, हर्ब्स है उसके नीचे एच, एंड हर्ब्स है उनके एस। एंड नेक्स्ट, प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रेट यानी कि सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टम, कुछ प्लांट्स की जो स्टम्स होती हैं वो बहुत ही वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन, और वो अपने सहारे पर खड़ा नहीं रह सकते। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स स्टिक्स और वॉल, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी के सपोर्ट की हेल्प से या किसी प्लांट्स की हेल्प से या स्टिक होती है छड़ी और दीवार की हेल्प से उसे उन प्लांट्स को हम हेल्प से ही वो चढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पी प्लांट एंड ग्रेपवाइन। नेक्स्ट, क्रीपर्स। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स होता है वो ग्राउंड पर ग्रो करता है, बढ़ता है, जमीन के ऊपर फैलता है वो। फॉर एग्जांपल पम्पकिन एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट, थोर्नी प्लांट्स। थोर्नी प्लांट्स कांटेदार पौधे, प्लांट्स विच हैव थोर्न्स आर कॉल्ड थोर्नी प्लांट, जिस प्लांट्स के ऊपर थोर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, उन्हें थोर्नी प्लांट्स कहते हैं।
थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल, और उन थॉर्न्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट सुरक्षा करते हैं उन प्लांट्स की कि उनको एनिमल्स ईट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस एंड रोज। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट, अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की प्लांट्स के पार्ट्स। ए प्लांट्स हैज मैनी पार्ट्स। फर्स्ट हम ये लुक एट दिस पिक्चर, इधर देखिए कि ये यहाँ पर प्लांट्स की एक पिक्चर दी गई है। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है, रूट्स है। नेक्स्ट ये है इनकी लीफ, यस ये स्टम, फ्रूट्स, बर्ड, फ्लावर एंड ब्रांच। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स है वो बढ़ता है सीड से, और ए सीड ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट, और जो सीड है वो ग्रो करके क्या बन जाती है, बेबी प्लांट। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सोइल एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को नीड है, जरूरत है एयर की, वाटर की, सोइल की एंड सनलाइट की। एयर, एयर मीन्स हवा, वाटर पानी, सोइल मिट्टी एंड सनलाइट सूरज की रोशनी की। I hope you all understand the lesson. Today's homework is read this chapter and write these difficult words in your notebook. बेटा ये इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं आपको, ये स्टार्ट करने से पहले हर एक पेज के ऊपर आपको ये मार्जिन लाइन लगा के, लेसन का नेम मेंशन करके और डेट, डे और मंथ डाल के इन हर एक चैप्टर को, ये नहीं है कि साइंस के ही चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर का इसी तरह से आप राइट करेंगे। और ये नेक्स्ट, ये भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और इस वर्क को आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।